जी बिसमी वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स एंड यस्टरडे वी यस्टरडे वी कम्प्लीटेड मीन मीडियन एंड मॉर्ट रेंज ऑल्सो फॉर ग्रुप डाटा ठीक है जी सो टुडे अवर टॉपिक इज्र्सन टाइल एंड क्वार टाइल्स ठीक है जी परसन टाइल्स एंड क्वार टाइल्स ये भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है एंड uh, ये थोड़ा जो अटैच हुआ है वो इसी साल हुआ है बिकॉज ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स Uh, उसकी प्री रैक्विजिट्स ये हैं कि आपको क्वार्टाइल्स का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए वी हैव टू प्लॉट क्वार्टाइल्स इन बॉक्स एंड बिस्कर प्लाट्स तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको मतलब तो फर्दर आगे स्टडी करेंगे अभी आज इसकी बेसिक्स हम देखेंगे कि क्वार्टाइल्स होते क्या हैं और किस तरीके से हम लोग इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay जी सो आई एम स्टार्टिंग विद अ सर्कल कंसिडर किए मेरे पास पूरा सेट ऑफ डाटा है ठीक है द होल डेटा इज़ अ सर्कल तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू टेक द क्वार्टर ऑफ द डाटा मुझे ये लेना हो कि मैं सिर्फ एक वन क्वार्टर जो है वो डाटा कौन से पोजीशन बनेगा तो वो डेफिनेटली वन क्वार्टर ये बनता है और अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूं तो इट्स लाइक वन ओवर फोर ठीक है तो स्टैटिस्टिक्स में जो वन ओवर फोर्थ मतलब क्वार्टर अ क्वार्टर डाटा इज़ एक्चुअली टर्म एज़ लोअर क्वारटाइल इसका नाम होता है लोअर क्वारटाइल द होल सेट ऑफ डाटा एंड द वन फोर्थ ऑफ द वैल्यू इज़ लोअर क्वारटाइल और फिर उसके बाद अगर हाफ वैल्यू आएगी बिल्कुल मिड वैल्यू पूरी एक सर्किल को मैं हाफ़ में करूँ मीन्स इट इज़ वन ओवर टू सो वन ओवर टू इज एक्चुअली द मिड वैल्यू एंड मिड वैल्यू हम लोग क्या इसका क्या नाम रखते हैं वी कॉल दैट थिंग एज मीडियन हम लोगों ने यही कहा था ना द मिड वैल्यू ऑफ अवर डाटा इज मीडियन ये सर्कल से एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वार्टर्स का आपको पता चले एंड द नेक्स्ट वन इज थ्री फोर्थ ऑफ अ सर्कल ये वाला भी इंक्लूडेड है ये वाला भी है एंड ये वाला भी है सो इट मीन्स दैट थ्री पोर्शन ऑफ फोर्थ हमारे पास थ्री बाय फोर आ जाएगा अगर ये हमने देखना है कि ये पोजिशन कौन सी होगी तो में वी टर्म दिस पोजिशन एज अपर क्वार आए ठीक है सो इफ आई एम हैविंग अ डाटा द मिड वाल्यू ऑलरेडी आई टोल्ड यू वी टर्म दिंग एज मीडियन द वन बाय फोर्थ वाल्यू और ट्वेंटी फाइव परसेंट वी कैन से ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डाटा टर्म दिंग एज लोअर क्वार्ट आई दिस इज द सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डाटा उसको हम कहते हैं वो अपर क्वारट आयल है ठीक है इनके प्रॉपर नेम्स हैं अब हम लोग इसे थोड़ा सा आपको बेसिक्स इसलिए दिए था कि आपको ये क्वार्टर्स का पता चले अब वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ओके okay जी वी आर स्टार्टिंग विद मीडियन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट टू फाइंड द मीडियन द मिड वैल्यू इट्स लाइक क्वाइट सिंपल यू जस्ट हैव टू अरेंज योर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड यू हैव टू कट योर एक्सट्रीम वैल्यूज़ और फिर आपके पास डायरेक्ट मीडियन आ जाएगा जो भी मिड वैल्यू बनेगी फॉर एग्जाम्पल किया कट द एक्सट्रीम वैल्यूज तो मेरे पास मीडियन बनेगा सेवन ठीक है एंड वी आर हैविंग अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर मीडियन ऑल्सो दैट इज एन प्लस वन बाई टू ठीक है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए वट इज एन बेसिकली एन इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ डेटा वी आर हैविंग मीन्स आई हैव टू काउंट इट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन

now sometimes we are having uh, this type of data this is not uh, 11 agar hum ise count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so sometimes the n is even So uske liye bhi agar proper formula se to n plus 1 over 2 that is 11 over 2 which is equals to 5.5 5. so i told you whenever i'm having a point thing अब मैंने फिफ्थ अपनी वैल्यू लेनी है फिफ्थ टर्म जो भी मेरे डाटा की है एंड आई हैव टू टेक द दिसथ टर्म और इसको किस तरह मैं मीडियन फाइंड करूँगा आई हैव टू एड फिफ्थ टर्म एंड एंडस्थ टर्म एंड देन आई एल डिवाइडेड बाई टू बेसिकली आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू सो वॉट इज़ माई फिफ्थ वैल्यू वन टू थ्री फोर दिस इज़ माई फिफ्थ वैल्यू एंड दिस इज़ माई सिक्स्थ वैल्यू सो सेवन प्लस नाइन सेवन प्लस नाइन Over 2. So that is uh, I think so 16 over 2. So the median is 8 here. may pass for example if I am having n as even, so I can easily put in my formula and I can get that. Or extreme value the 2 will cancel 17, 3 will cancel 15, 5 will cancel 13, and again 5 will cancel 10. तो अभी भी मेरे पास ये दो बचते हैं एंड आई टोल्ड यू दैट यू जस्ट हैव टू ऐड एंड यू हैव टू डिड बाई फाइंड द मीडियन यही हम लोगों ने अभी किया है यहाँ पर और एट हमारे पास आंसर है मीडियन का सो द ओनली थिंक विच आई वॉन्ट हियर इज दिस टू द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग इट इज एक्चुअली डिवाइडेड बाई टू वाई इट इज़ डिवाइडिंग बाई टू बिकॉज आई नो दैट माई मीडियन इज़ द मिड वैल्यू ठीक है जी मिड वैल्यू होगी तो दैट इज बाई एम डिवाइडिंग बाई टू इट इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द सर्कल ओके जी लोअर क्वार्टाइल आई टोल्ड यू द लोअर क्वार्टाइल इज फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक दिस सर्कल गेयर इट्स ओनली द वन क्वार्टर तो वन क्वार्टर इज बेसिकली वन बाय फोर सो माई एन प्लस वन विल रिमेन सेम एंड नाउ आई हैव टू डिड बाय फोर इट तो ये मेरे पास वो वाली टर्म बन जाएगी लोअर क्वार्टाइल एन प्लस वन ओवर फोर मीडियन का जो फॉर्मूला था वो डिवाइडेड बाय टू दैट मीडियन इज अड वैल्यू इट्स अ हाफ वैल्यू लोअर क्वार्टाइल इज एक्चुअली ओवर क्वार्टर वैल्यू ऑफ द डाटा अब डाटा वही मेरे पास सेम ही है मुझे पता है द फर्स्ट एन इज इलेवन प्लस वन ओवर फोर सो इलेवन प्लस वन इज डेफिनेटली ट्वेल्व ओवर फोर टर्म हमारे पास हो जाएगा थर्ड टर्म मीन्स दर्ड Value will be my lower quartile. So it's one two and third value so lower quartile of this data is three Got it. Now, what about here here? We are having only 10 so 10 plus 1 over 4 It's 11 over 4. So 11 over 4 may pass decimals Let me just calculate 11 over 4 it's 2.75. 2.75. Again we have to repeat the same procedure. I will take the second term and my third term. Theek hai ji? Second term and third, third term. I have to add and then I have to divide it by 2. So kya kaji. Second term. Si hai? I'm having 3. And the third is 5. So 3 plus 5. Over. पर, नहीं हमने एवरेज लेना होता है ना एवरेज के लिए हमें टू से ही डिवाइड करना पड़ेगा बट इफ यू आर फाइंडिंग या या बोथ केसेस में इवन अपर क्वार्टाइल भी है उसका भी डेसिमल में अगर आंसर आ रहा है ना तो तब भी हमने उसे टू से ही डिवाइड करना है यहाँ पे प्रोसीजर सेम होता है कॉज वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ टू सेकेंड एंड थर्ड टर्म बट फॉर आवर बेसिक फार्मूला जो एन हमारे पास वो ये वाला फार्मूला यूज होगा लोअर क्वार्टाइल के लिए ये ये तो डेसिमल में है तो शुडंट इट बी लाइक फोर से डिवाइड होना चाहिए 2.75 है ना नहीं नहीं आपके पास इवन 2.1 बीओ 2.8 बीओ 2.9 बीओ या 2.6 बीओ तो तब भी यू हैव टू डिवाइड यू हैव टू टेक द सेकंड टर्म एंड यू हैव टू टेक द थर्ड टर्म व्हाटएवर डेसिमल यू आर हैविंग एंड देन यू हैव टू डिवाइड डिवाइडेड बाय टू देखें दो टाइप का प्रॉब्लम है एक तो ये कि मेरे पास अगर n+1 ओवर 4 में प्रॉपर होल नंबर आ रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है ना इफ़ एन प्लस वन ओवर फोर इज़ नॉट द होल नंबर वेदर आई एम गेटिंग टू पॉइंट सेवन फाइव आई एम गेटिंग थ्री पॉइंट थ्री थ्री वट एवर आई एम गेटिंग अगर मैं एन प्लस वन ओवर फोर को मेरे पास ये वाली टर्म आ रही है तो आई हैव टू टेक द थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म थर्ड और फोर्थ का मैंने एवरेज निकालना है ठीक है थर्ड एंड फोर्थ का मैंने एवरेज निकालना so, तभी है सो एवरेज तब ही निकल सकता है दैट वेन एवर आई नो दैट फॉर एवरेज आई हैव टू एड हैव टू डिड बाई टू आई होप द दिंग्स आर क्लियर हे क्लियर हुआ है या कि अभी भी प्रॉब्लम है सर हो गया सॉरी हो गया ओके okay. यहाँ पे जो अभी ऑब्जेक्शन थोड़ी जो कन्फ्यूजन जनरेट ये हुई है कि सर वाई वी आर नॉट डिवाइडिंग इट दिस थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू विद फोर हम तो कॉटाइल फाइंड कर रहे हैं तो हम फोर से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे यहाँ पे फोर से डिवाइड नहीं करना वी हैव टू डिवाइड एन प्लस वन ओवर फोर जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है इफ़ माय आंसर इज इन डेसिमल्स आई हैव टू टेक ये वैल्यू जो भी सेकंड टर्म वाली वैल्यू होगी

I hope the things are clear. Well, I am going to the next slide. अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। Okay, now upper quartile. I told you earlier that if I am having a whole circle, and ये पूरा मैंने four divide किया है तो it's like three by fourth, जो proper हमारे पास a quarter less than a whole circle a hey, quarter again to definitely i'm having three quarters left so that is three by four so three by four is basically the upper quartile in statistics we call this as upper quartile n plus one will remain same three will be here it will multiply with the numerator and four will be or if sources that are simple three by four into n plus one now i know that my n here is 11 so for upper quartile, I have to add 11 plus 1 over 4 and multiply 3 3. I am substituting all of the values in my formula. So, upper quartile will be 3, 12 over 4. The 4 cancel out. 4 1 is a 4 and 4, 3 is a 12. So, 3, 3 is a 9. It means that my ninth value. 9th value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th value. So my ninth value is 13. So 13 will be my upper quartile. Got it? This is my answer. Up again, here I am having n, 10. The value of n is 10. So for upper quartile, we will start with 3

तो मेरे पास तो यहाँ पे होल नंबर में तो कोई चीज है ही नहीं द द आंसर इज एट एंड द डेसिमल्स पॉइंट टू फाइव सो आई एम नॉट हैविंग एनी एट्थ पॉइंट टू फाइव वैल्यू हेयर इन माई डाटा सो आई एम बाउंड टू टेक एन एवरेज ऑफ एट्थ वैल्यू एंड द नाइन्थ वैल्यू एर्थ वैल्यू मेरे पास कौन सी है जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट्थ वैल्यू इज थर्टीन एंड वॉट अबाउट Ninth value that is obviously 15, so I need to add both of them and I have to divide it by 2 because I have to take average. So 13 plus 15 that is 28, and I have to divide it by 2 that is 14. So 14 is my upper quartile here. TKG okay, clear. सो आई होप ये जो अपर लोअर और मीडियन का हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए मीडियन इज द मिड वैल्यू लोअर क्वार्टल इज द क्वार्टर वैल्यू एंड अपर क्वार्टल इज थ्री क्वार्टर वैल्यू ठीक है जी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डाटा हम कहते हैं इसे और लोअर को हम कहते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डाटा ठीक है अगर किसी को अभी इन तीन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्ट द क्वेश्चन सर आप लोअर कोरटाइल समझा सकते हैं फिर से लोअर कोर्टाइल में uh, माहीन सिर्फ आपने एन देखना so है यू हैव टू काउंट योर नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज़ एलेवन हीयर ना सो एलेवन प्लस वन ये इसका फॉर्मूला। है एलेवन प्लस वन ओवर फोर दैट वुड बी ट्वेल्व ओवर फोर सो इट द सेम थिंग दैट इज़ माई थर्ड वैल्यू ट्वेल्व ओवर फोर इज़ माई थर्ड वैल्यू This three is not the answer. I have to check my data for the third value. So here I cut one second, and my third value is three. So this is my three value. Okay. Sir, Sabi. Yeah. Yes, sir. Thank you. Sir, after we take the average from the uh, by plus adding the two values, the answer will be not the place but the answer. Sorry. Not the place of the answer. No, I'm trying to say that when we get the answer for the average value, then we have to take it on place or it's the final answer. No, it's the final answer. It's the final answer. You say, you're saying that uh, sir so you have to check for 14th value? average fourteen, yes. No 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 no. This is my yes. final answer. This is my final answer. Because I'm taking the place values from here. ये प्लेसेस वैल्यूज हैं मेरे पास जो फार्मूला बनेगा ना बानूर फार्मूला जो प्रॉपर मुझे एन प्लस वन ओवर फोर पे या जो भी मैं लोअर क्वार्टाइल फाइंड करूँ अपर क्वार्टाइल तो मेरे पास फार्मूला जो मेरे पास आंसर आएगा फार्मूला को पुट करके दैट इज़ माई एट पॉइंट टू फाइव दिस इज़ माई पोजिशन थिंग मीन्स आई हैव टू टेक द एट्थ वैल्यू ऑफ माई डाटा और डाटा सबसे पहली बात है अरेंज होना चाहिए एट्थ वैल्यू ऑफ माई अरेंज डाटा एंड नाइन्थ वैल्यू ऑफ माई अरेंज डाटा That is 13 and 15. Then I have to divide it by 2 and 14 would be my answer. This is not the place value. It's my answer. I hope the concept is clear. Acha, lower quartile ka uh, thoda clear? G, sir, clear okay. So, ok. Jo niche wala tha, pe we are having a proper even number. So, we add 1 over 4, so it's 11 over 4, and we got 2.75.

The value of range is very high. So, if I got the value of range very high, it means the data is spread out. Means in the first example, my highest value is 98 and my lowest value is 1. So, what is the range here? That is 97. The range here is 97. If I am having a consistent data, यहाँ पे रेंज मेरे पास इसकी रेंज की वैल्यू कम हो जाएगी वॉट इज़ माई लोएस्ट वैल्यू दैट इज़ वन एंड माई हाईस्ट वैल्यू दैट इज़ सेवेंटीन सी आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ नंबर्स हेयर बट दे आर लाइक कंसिस्टेंट टू इज़ रिपीटिंग थ्री टाइम्स थ्री इज़ रिपीटिंग थ्री टाइम्स फाइव इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स सो इट्स लाइक अ कंसिस्टेंट डाटा उसमें रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी सेवन माइनस वन दैट इज़ सिक्सटीन so if I am having a very big value of, of my range it means that the the data is spread out it's not not a consistent data it's a spread out data and if my value of range is like lower or less or small my range is my my data would be consistent ये मेरे ज़हन में बातें हैं आनी चाहिए क्योंकि आगे हम लोगों ने reasoning देनी है कुछ questions में तो हम लोगों ने यही चीजें आगे बतानी होगी आई होप ये चीज़ आपको समझ आई कि स्प्रेड आउट डाटा कौन सा होता है कंसिस्टेंट कौन सा होता है और कंसिस्टेंट और स्प्रेड आउट को इन एक्चुअल चीज़ कौन सी फाइन कर रही होती है दैट इज माई रेंज सो रेंज ही बताता है कि कितनी वेरिएशन आ रही है डाटा में अच्छा आप नेक्स्ट चढ़ते हैं जी सी द बिगर द रेंज द मोर स्प्रेड आउट द डाटा इफ द रेंज इज स्मॉल द डाटा इज क्लोज टू और मोर कंसिस्टेंट ठीक है जी डेटा आपस में बिल्कुल कंसिस्टेंटली है या क्लोज हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा लाइक like दिस जो हमारे कंसिस्टेंट में आ रहा है ओके okay. अच्छा हमारे पास अब इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई है रेंज दोबारा वही वर्ड है इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आप फार्मूला ये कॉपी पेस्ट हो गया इस फॉर्मूले को आप जरा इग्नोर करें पेर हैविंग इंटर क्वार्टल रेंज उसका फार्मूला क्या होता है वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक अपर क्वार्टल एंड लोअर क्वार्टल ठीक है इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग किस तरह फाइन करते हैं वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अब यही हमारे पास वैल्यूज थी इसका मेरे पास अपर क्वार्टाइल क्या आया था जी एक मिनट में पीछे से देख लेता हूँ वी आर हैविंग अपर क्वार्टाइल ऑफ दिस वन इज थर्टीन ठीक है देखेंगे अपर क्वार्टाइल थर्टीन आया हुआ है सो आई विल राइट अपर क्वार्टाइल एज थर्टीन है या मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल इज थर्टीन एंड लोअर वन वॉज थ्री आई थिंक सो थर्ड हमारे पास वाली चीज थर्टीन माइनस थ्री सो इंटर क्वार्टाइल रेंज मेरे पास क्या आ गई जी टेन ही ठीक है दिस इज माई आंसर नॉट माई पोजिशन दिस इज माई आंसर इफ समन आस्क यू टू फाइंड इंटरकॉर्टाइल रेंज यू फर्स्ट हैव टू फाइंड इट्स अपर quartile, then यू हैव टू फाइंड इट्स लोअर quartile और दोनों को आपने माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है अगर आई क्यू आर में लिखते तो इंटर क्वार्टाइल रेंज दैट इज टेन ठीक है ना वॉट अबाउट हीयर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी हमारे पास हमारे पास अपर क्वार्टाइल इसका था आई थिंक सो फोर्टीन मुझे जहाँ तक याद पड़े फोर्टीन एंड लोअर था लोअर वन बॉस फोर ठीक है ये देखें यू आर हैविंग फोर द डेट इज सेम मैंने किसी में भी चेंज नहीं किया सो लोअर वन बॉस फोर सो यहाँ पर क्या आ रहा है जी इंटर कॉर्टाइल रेंज अगेन टेन ठीक है जी सो so, कोई इश्यू तो नहीं है इंटर कॉर्टाइल रेंज का जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला अपर कार्टाइल माइनस लोअर कॉर्टाइल दैट सेट बेसिक रेंज हम लोग किस तरह फाइंड करते थे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने अपर क्वार्टाइल को और लोअर क्वार्टाइल को माइनस करना है ठीक है जी अब इसकी हमारे पास क्या आती आप uh, किसी के पास टाइम मुझे बता सकते हैं कोई कितना रहता है हमारे पास एनी वन विद मिनट्स ओके ओके टेन मिनट्स ओके सो अब यहाँ पे ज़रा हम लोग अपनी आ, देखेंगे इफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज स्मॉल द डाटा आर मोर क्लोज टू द मीडियन मींस अभी मैं जनरल यहाँ पे एक जरा वैल्यू बनाता हूँ ये मेरे पास मीडियन होता है द मिड वैल्यू ये आपके पास होगा लोअर क्वार्टाइल और ये होगा आपके पास अपर क्वार्टाइल ये वन बाय फोर है ये आपका टू बाय फोर मीन्स वन ओवर टू वैल्यू है ये थ्री बाय फोर पोजिशन है अगर क्वार्टाइल रेंज स्मॉल होगा सी इफ द क्वार्टाइल रेंज इज स्मॉल इट मीन्स द वैल्यू आर मोर नियरर टू द मीडियन वैल्यू यह डाटा जो है आपके पास ज्यादा करीब है मीडियन के एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे अब एक मेरे पास यहां पर है मीडियन ये आपके पास आ गया लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल आ गया ना सी इफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज लाइक बिगर अब डेटा स्प्रेड आउट हुआ वह लाइक इट्स लाइक अवे फ्रॉम द मीडियन तो उसको हम कहते हैं कि सच टाइप ऑफ डाटा इज स्प्रेड आउट मीडियन से वो बहुत दूर है या वो कंसिस्टेंट नहीं है इफ द इफ माई

if my interquartile रेंज वैल्यू इज़ लार्जर तब क्या मतलब है कि वैल्यू जो है स्प्रेड हुई हुई है मतलब मीडियन से दूर हुई हुई है ठीक है तो ये आप लोगों ने जनरल चीज़ें अपने जहन में रखनी है थोड़े से इसके नोट्स बना लें आप लोग साथ क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी वी हैव टू एक्चुअली डिड्यूस डिफरेंट इंफॉर्मेशन या डिफरेंट वैल्यूज़ बाई यूजिंग सच कॉन्सेप्ट वो आगे मैं आप लोगों को इनशाला बताता हूँ सो so, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ वी आर हैविंग इफ द डेटा इज कंसिस्टेंट तो मेरे पास रेंज भी कम होगी रेंज भी स्मॉल होगी एंड इंटर कॉल्ट्रायल रेंज भी स्मॉल होगी इफ़ द माई डाटा इज स्प्रेड आउट सो माई रेंज इज ऑल्सो स्मॉलर बिगर एंड माई इंटर कॉलट्रायल रेंज इज ऑल्सो बिगर तो ये थोड़ा सा आप लोगों कोसेप्ट रखने अब हम आते हैं ज़रा क्वेश्चन पे ना सी टू कंपनी सेल सनफ्लावर सीड्स ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर सीड्स फ्राम अलब्राइट प्रोड्यूस फ्लावर्स विद द मीडियम हाइट ऑफ नाइन्टी एट सेंटीमीटर अच्छा जी अलब्राइट का यहाँ लिख लेते हैं अलब्राइट इज वन कंपनी इज़ सेलिंग सीड्स वो जो सीड्स सेल uh, करते हैं देर मीडियम हाइट इज नाइंटी एट सेंटीमीटर ठीक है जी एंड देर इंटर इंटरकॉर्टाइल रेंज इज़ थर्टीन सेंटीमीटर उनका जो सीड है वो मीडियन हाइट जो मिडल वैल्यू हमारे पास मीडियन हाइट की आएगी दैट इज 98 सेंटीमीटर एंड द क्वार्टाइल रेंज इज 13 सेंटीमीटर अच्छा अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं इन द सेम ईयर सीड्स फ्रॉम बेयर स्टोस प्रोड्यूस फ्लावर्स विद द मीडियन हाइट ऑफ 95 सेंटीमीटर एंड क्वार्टाइल रेंज ऑफ फोर अच्छा अब जो बेयरस्टोज बर्सटोज और आई डोंउंस इट अच्छा प्रोड्यूस फ्लावर्स विद मीडियम हाइट दैट मीडियम हाइट कितनी है जी इनकी दैट इज नाइंटी फाइव एंडल इंटरकॉर्टाइल रेंज इज फोर सेंटीमीटर विथ सीड्स वुड यू बाई इफ यू वॉन्ट टू एंटर अ कॉम्पिटिशन फॉर ग्रोइंग द टॉलेट फ्लावर एंड वाई अब आप एक कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं कौन सा आप सीड इनसे खरीदेंगे कि आपके जो सन फ्लावर है वो टॉलेस्ट बने तो इन जनरल इफ़ आई सी मीडियन हाइट तो अल्ब्राइट की ज़्यादा है बट देर इंटर कॉर्टाइल रेंज इज़ थर्टीन दैट इज़ लाइक मीडियन से बहुत स्प्रेड आउट हुआ हुआ है डाटा इफ आई सी द बेस्ट ओ देर मीडियम हाइट इज लाइक स्मॉलर नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर बट देर इंटर कॉर्टाइल रेंज इज स्मॉल जी कौन सा मैं प्रेफर करूँगा और मुझे बताएं कोई भी अपनी सोच से बताएं कि मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ उस सीट को एनी वन

बट इंटरकॉर्टाइल रेंज स्प्रेड आउट हुआ है मीन्स इसमें या तो फ्लावर मैक्सिमम 98 दे सकता है 98 से भी उसमें हो सकता है बट क्या पता मेरे पास टू सेंटीमीटर हाइट का भी आ जाए क्या पता मेरे पास फोर का भी आ जाए बिकॉज द रेंज इज लाइक इंटरकॉर्टाइल रेंज इज बिगर बट हियर द इंटरकॉर्टाइल रेंज इज स्मॉलर स्मॉलर का मतलब है कंसिस्टेंट मेरे पास डाटा आएगा मीन्स आई एम वेरी लाइकली टू गेट नाइन्टी टू नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी या नाइन्टी वन सी सो माई दिस दैट इज़ लाइक कंसिस्टेंट तो आई एल डेफिनेटली गो फॉर बेस्ट ओ थिंक बेस्ट ओ जो सीड्स हैं वो मैं यूज़ करूँगा नॉट गो फॉर अल ब्राइट बिकॉज देर इंटरकॉर्टाइल रेंज इज़ वेरी बेग इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत छोटा फ्लावर भी आ सकता है या फिर बहुत बड़ा भी आ सकता है तो so मैं ये रिस्क नहीं ले सकता एल गो फॉर द कंसिस्टेंट वन नो डाउट उनकी मीडियम हाइट नाइनटी फाइव है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट देर इंटरकॉर्टाइल रेंज इज लाइक गुड वो कम है तो मेरे पास कंसिस्टेंट वैल्यू आ सकती है तो ये चीज क्लियर हुई है कंसिस्टेंट वन आई होप दिंग्स आर क्लियर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में बेसिकली वाई आई एम चूजिंग बेस्ट टू बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट थिंक यहाँ पे ये मेरे पास रिस्क नहीं है कि कोई फ्लावर बहुत छोटा निकल आएगा कोई किसी की हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी अल्ब्राइट का प्रॉब्लम यह है दे आर हैविंग अ मीडियम ऑफ नाइन्टी एट दैट इज़ अ क्वाइट गुड वन बट देर रेंज इज़ लाइक क्वाइट स्प्रेड आउट इट्स लाइक वेरी हाई तो अगर रेंज आपके पास इंटरकॉर्टाइल की बहुत बड़ी है मीन्स मीडियम से डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो क्या पता मैं जो सीड्स लूँ वो फ्लावर्स टू सेंटीमीटर के निकल रहे हो हाइट में या इवन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी के निकल रहे हो एंड uh, क्या पता मेरे पास नाइन्टी प्लस आ जाए या नाइन्टी सेवन नाइन एट इस तरह आ जाए तो दैट इज़ अ क्वाइट रिस्की थिंग आई एल गो फॉर द कंसिस्टेंट वन दैट इज़ लाइक क्वाइट डीसेंट चॉइस कि मैं यहाँ पे ईजीली uh, अपना इनको चूज करूँगा कॉज ऑफ देयर इंटरकॉर्टाइल रेंज द वैल्यू इज़ वेरी कंसिस्टेंट सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन G. Now, there is a person who is conducting a survey into traffic on his road every Monday for 8 weeks in the summer. Uh, Pawan records the number of cars that pass by pass by his house between 8 and 9 am. So, there is a person who is actually recording all of the stuff that 8 arts, no one pass? He has this in every Monday for 8 weeks. And this is data for winters. Ke liye liye. Means he sat on Monday at 8 a.m. of every week. 8 to 9, he counted all the cars. So, in the 18 crossed, summers May summers. Next Monday, next week ke Monday beta And then he actually recorded all of the stuff from 8 to 9 a.m. 15 cars passed. Then 19, then 25, then 19, again 26, 17, and 13. So, 8 weeks ke har Monday was beta And he actually recorded all of this stuff. नाउ द सेकेंड वन इज़ फॉर विंटर्स विंटर्स के भी मंडेज़ को बैठ रहा है तो उसके पास ये डाटा आ रहा है ठीक है अच्छा जी फाइंड द मीडियम नंबर ऑफ द कार फॉर ईच पीरियड आई थिंक यू कैन ईजीली फाइंड यू हैव टू जस्ट अरेंज ऑल ऑफ़ द स्टाफ एंड यू विल गेट द वैल्यू मीडियम क्या होगा यार अगर मैं इसे अरेंज करूँ तो आई एम द लोएस्ट थर्टीन है मेरे पास दैन फिफ्टीन दैन सेवनटीन दैन नाइन एटीन है फिर नाइनटीन है एंड देन आई एम हैविंग ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स 1 2 3 4 5 six, seven. Ek 1 more 19 so i have to put 1 more 19 here tkg so median is uh, i'm just cutting the extreme values so it's 18 plus 19 over 2 yeah to pass 18 plus 18 is 36 and 37 over 2 so uh, it's 18.5 i think so 18.5 yeah so, the median number of the car for uh, summers is 18.5. What about uh, winters? Winters, what do you My God, it's taking a lot of time. 9, 9, 12, 12. No, 11 is there also. 9, 9, 11, 12, 12 And then 13. And then 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gaya? So, 10. या टेन इज या नाइन नाइन टेन एंड अलेवन ओके आई एम फाइंडिंग आउट द मीडियम टेन विल कट ट्वेल्व एंड एलेवन प्लस ट्वेल्व इज बेसिकली इलेवन पॉइंट फाइव मेरे पास आंसर आ जाएगा अगर दोनों का मैं मीडियम लूँगा एवरेज लूँगा इट्स इलेवन पॉइंट फाइव ठीक है जी सो so, मीडियम मेरे पास आ गया फाइंड द इंटर क्वार्टल रेंज माई गॉड कितना टाइम रहते यार हमारे पास एनी वन अच्छा तो चलो ठीक है इसको हम yes कल कंटिन्यू कल कंटिन्यू करते हैं ये सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना देखें बेसिकली माई टारगेट वॉज टू एक्सप्लेन दिस वन डू यू नोटिस ट्राई टू एक्सप्लेन वाई दिस माइट हैपन इट्स हम लोगों ने अब इंटरकॉर्टाइल रेंज को देखना है किसका ज्यादा किसका कम है और फिर उसमें से कंसिस्टेंट वाला निकालना है कि कब uh, मतलब इन विंटर्स द पीपल आर यूजिंग द कार्स कंसिस्टेंटली और इन समर्स द पीपल आर यूजिंग द कार कंसिस्टेंटली So, this is what we Anyways, we will start from this question tomorrow, inshallah. So, thank you so much. You can leave the class.